नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। पटियाला में 64वीं एनएससीसी शॉटगन 2021 प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें जयपुर की ओलंपियन ट्रैप शूटर शगुन चौधरी ने कांस्य पदक जीता है। महिला ट्रैप निशानेबाजी में कांस्य पदक उन्होंने हासिल किया, प्रदेश का नाम रोशन किया। शगुन को निशानेबाजी में कुल 27 अंक मिले। वहीं अगर बात करें श्रेयसी सिंह की, उन्होंने 34 अंक हासिल किया और उसके साथ ही स्वर्ण पदक अपने नाम कर दिया, यानी कि गोल्ड पर सीधा निशाना साधा। वहीं प्रगति दुबे ने 31 अंक के साथ रजत पदक अपने नाम किया, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। लेकिन राजस्थान की शॉटगन कह सकते हैं शगुन को 27 अंक मिले और उसके साथ कांस्य उन्होंने अपने नाम किया है। राजस्थान के लिए एक राहत की खबर है, राजस्थान के लिए बड़ी खबर, खुशखबरी है, क्योंकि पटियाला में 64वीं एनएससीसी शॉटगन 2021 प्रतियोगिता और जयपुर की ओलंपियन ट्रैप शूटर शगुन चौधरी ने राजस्थान का नाम रोशन किया है। उन्होंने इस प्रतियोगिता में कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है, राजस्थान का नाम किया है। महिला ट्रैप निशानेबाजी में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। हालांकि वो तीसरे स्थान पर ही कांस्य पदक उनके नाम रहा, लेकिन फिर भी उपलब्धि। शगुन को निशानेबाजी में 27 अंक मिले और 27 अंक के साथ वो तीसरे पायदान पर ही कांस्य उनके नाम रहा। श्रेयसी सिंह ने 34 अंक हासिल किए और इसके साथ गोल्ड पर निशाना साधा, स्वर्ण पदक उन्होंने अपने नाम किया। जबकि प्रगति दुबे ने 31 अंक जीते और उसके साथ रजत यानी कि सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। अंतर ज्यादा है, लगभग गोल्ड और कांस्य के बीच में 7 अंकों का अंतर है। लेकिन 7 अंकों का अंतर होने के बावजूद शगुन चौधरी ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। ओलंपियन ट्रैप शूटर हैं, जयपुर की रहने वाली हैं, गुलाबी सिटी की रहने वाली और ब्रोंज पर सीधा निशाना साधा है। हमारे साथ शगुन चौधरी खुद जुड़ गई हैं। शगुन, सबसे पहले कांस्य पदक जीतने के लिए आपको पूरे राजस्थान की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरा जो प्रतियोगिता रही, पूरा टूर्नामेंट रहा, किस तरीके का रहा, कहां ऐसी चूक रही, क्योंकि कांस्य भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन 34 और 27 के बीच में 7 का अंतर, इसको आगे कैसे सुधारेंगे? जी एक्चुअली ये 34 और 27 का अंतर बहुत ही जो टेक्निकल बात है, वो मैंने जो गोल्ड मेडल मैच हारा वो बिब नंबर के ऊपर हारा जी। क्योंकि वी वर हम टाइट थे एट द सेम स्कोर, पर क्योंकि मेरा बिब नंबर 6 था और जो जिन्होंने सिल्वर प्राप्त किया उनका बिब नंबर आई थिंक 2 और 3 था, बिकॉज द हायर बिब नंबर शी वेंट इनटू द गोल्ड मैच। अदरवाइज अगर गोल्ड मैच में अगर जाते तो गोल्ड किसी का भी हो सकता था। तो थोड़े से टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, बट एज फार एज शूटिंग इज कंसर्न, शूटिंग बहुत ही बेहतरीन थी। थोड़े से यहाँ पर कंडीशंस थोड़े से खराब थे, क्योंकि स्मॉग और सब और फॉग काफी थी, तो विजिबिलिटी ज्यादा नहीं थी। बट अब सिलेक्शन ट्रायल्स होंगे एशियन गेम्स और सबके लिए, तो उसके लिए हौसला बुलंद है और उसमें जाने की पूरी तैयारी है जी। शगुन, आगे की तैयारियां क्या, वो कौन कौन से टारगेट जो भी आगे मानेंगे कि आपके बंदूक के जरिए निशाने पर रहेंगे, गोल्ड मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी, जो टारगेट है अब वर्ल्ड कप की तरफ है और अगले साल एशियन गेम्स भी हैं, तो उसके लिए जो सिलेक्शन ट्रायल्स होंगे उसके लिए हमारे को इन्विटेशन पहले से ही मिल गई है, तो आई थिंक जनवरी में कभी होंगे, तो वहाँ सिलेक्शन ट्रायल्स शूट करके फिर देखते हैं वहाँ क्या रिजल्ट रहता है। बट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, जैसे मेरी बंदूक चल रही है अच्छा ही होएगा, एंड मैं राजस्थान और इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स के लिए। तैयारी को लेकर कुछ बताना चाहेंगी, किस तरीके से तैयारी की जाती है, क्योंकि राजस्थान के लिए एक और अच्छी खबर है शगुन, क्योंकि राजस्थान में लिंगानुपात बड़ा है, पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा हैं, राहत की बात, और ऐसे में आप निशाना भी साध रही हैं, क्या कुछ कहेंगी? जी राजस्थान के जो जेडीए ने शूटिंग रेंजेस बनाई है जगतपुरा में, जिसमें मेरा फादर का बहुत ही बड़ा योगदान है,
वहाँ पर ही मैंने प्रैक्टिस की है और पिछले 3 महीने से वहीं प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत ही बेहतरीन और प्लान रेंजेस बनी हैं और इसलिए हम देख भी रहे हैं जो 2007-2008 में रेंजेस बनी थी वहाँ से इतने शूटर्स आगे, आपके आपके जो अनंत नारुका हैं उन्होंने भी सिल्वर मेडल लिया है स्कीट के लिए और विवान कपूर है, तो जब फैसिलिटीज जब गवर्नमेंट दे देती हैं तो जो आप कहते हैं एथलीट्स को ज़्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं तो एथलीट्स को बढ़ावा भी मिलता है जी। तो मेरा जो ट्रेनिंग स्केड्यूल है अब राजस्थान में ही है, स्पेशली जयपुर जगतपुरा में, तो और मैं जो सिलेक्शन ट्रायल्स हैं वहीं मैं वहीं की तैयारी वहीं पर ही करूंगी, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन रेंजेस बनी हुई हैं जो देश की नामी क्या कहते हैं एथलीट को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। शगुन, क्या जयपुर के अंदर जिस तरीके की फैसिलिटीज हैं, जिस तरीके की कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, आप उसे पूरी तरीके से संतुष्ट? जी, कोचिंग तो मैं अपने कोच इटालियन कोच डैनियल डिस्पिनियो उनके साथ ही कर रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो दो साल से क्योंकि पैंडेमिक की वजह से इंडिया नहीं आ पाए हैं, पर हम फोन पे संपर्क रखते हैं और जो फैसिलिटीज हैं जगतपुरा में वो एब्सोल्युटली टॉप क्लास है, जो रेंजेस रन भी करती है वो भी टॉप क्लास है, वो कॉम्पिटिशन भी देखी होल्डिंग कॉम्पिटिशन फ्रेंडली कॉम्पिटिशन, तो एथलीट को कॉम्पिटिशन का वो भी मिलता है, तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड के जैसे भी चल रहा है। शगुन, बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बात करने के लिए। और वैसे भी शगुन का मतलब शुभ होता है और ये शुभ इसलिए क्योंकि उन्होंने कांस्य पदक जीतकर राजस्थान का गौरव हासिल किया, उम्मीद करेंगे आने वाले टूर्नामेंट में वो गोल्ड पर निशाना साधे। आगे बढ़ते हैं, जयपुर में महारैली और तैयारी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुटे हैं। आलाकमान ने मुख्यमंत्री गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी दी है। देश भर के कांग्रेसी राजधानी जयपुर के अंदर जुटेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहली बार एक साथ जयपुर में एक मंच पर नजर आने वाले हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल का भी एक बड़ा टास्क है। आज गहलोत और डोटासरा में तैयारी को लेकर बैठक हुई। अजय माकन और वेणुगोपाल से भी वर्चुअली मीटिंग हुई है। हालांकि कल केसी वेणुगोपाल को जयपुर आना है और बाकायदा इसको लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। जयपुर अजय माकन भी आएंगे, केसी वेणुगोपाल भी आएंगे। विद्याधर नगर स्टेडियम का सभी नेता जायजा लेंगे क्योंकि जिसको हम भीड़ कहते हैं दरअसल उसके जरिए समर्थन की बात की जाती है। माना जा रहा है कि 1 लाख के आसपास लोगों को इकट्ठा किया जाएगा क्योंकि मुद्दा सीधा जनता से जुड़ा हुआ है। मुद्दा आम जनता जिस तरीके से महंगाई से त्रस्त है उससे जुड़ा हुआ है, बेरोजगारी से त्रस्त है उससे जुड़ा हुआ है, और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। माना जा सकता है कि 2022 चुनाव से पहले एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़े, खाद्यान्न के दाम जिस तरीके से बढ़े, उन तमाम मुद्दों को लेकर आम जन के साथ सीधा जुड़ाव महसूस करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। वो एहसास कराने की कोशिश इस प्रदर्शन के जरिए करेगी कि कांग्रेस का हाथ आम जन के साथ है। हालांकि आम जन का साथ कांग्रेस के हाथ के साथ कितना रहेगा यह अभी कह पाना मुश्किल, लेकिन यकीनन एक बड़ा टास्क है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के लिए, बड़ा टास्क क्योंकि उनके कार्यकाल में बड़ा प्रदर्शन या कहे कि बड़ी रैली हो रही है, उसको मैनेज करना, ज्यादा से ज्यादा समर्थन को जुटाना, सभी फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराना, ये एक बड़ा टास्क रहेगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके लिए कहा जाता है कि वर्तमान स्थिति में कांग्रेस के सबसे मजबूत स्तंभ है, अगर कांग्रेस कहीं सबसे ज्यादा मजबूत वो राजस्थान है, यकीनन इस पूरी रैली के सफल आयोजन में मुख्यमंत्री गहलोत की अहम भूमिका रहेगी भी, और सफल आयोजन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कद कांग्रेस में एक पायदान और ऊपर होगा। राजस्थान गवाह बनेगा जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी तीनों एक मंच पर एक साथ होंगे। आगे बढ़ते हैं, भरतपुर के डीग से बड़ी खबर है। खो थाना पुलिस की गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। टोडा पुलिस चौकी पर पुलिस पर गौ तस्करों ने फायरिंग कर दी है। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में 6 राउंड फायर किए हैं। गौ तस्करों ने 18 गोवंश को पकड़ा हुआ था, उनको मुक्त कराया गया है। एक आइशर, एक पिकअप जब्त की गई है। आइशर दरअसल ट्रैक्टर है, पिकअप को जब्त किया गया है। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, गिरफ्तार समा और मुनफैद हैं।
गोदोली थाना पुनः जिला नुह मेवात के निवासी बताए गए हैं। 18 गोवंश को पुलिस ने जड़खोण गौशाला भिजवा दिया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। तारा सिंह कांस्टेबल ने ये तमाम जानकारी दी है। हालांकि जगह जगह पर गौशालाएं बनी है, लेकिन फिर भी गौ तस्करी के मामले सामने आते हैं। एक बार फिर से गौ तस्करी का मामला सामने आया। पुलिस और गोवंश तस्करों के बीच में मुठभेड़ कही जा सकती है, क्योंकि गौ तस्करों के की तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस ने भी 6 राउंड फायर किए हैं, आत्मरक्षा में 6 राउंड फायर किए हैं। बाकायदा 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और बात करते हैं वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा की रिपोर्ट। 10 दिसंबर को आरसीए स्टेडियम का शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री गहलोत के हाथों ये शिलान्यास किया जाएगा। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं बीसीसीआई अध्यक्ष यानी कि सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को भी न्योता दिया गया। गांगुली और शाह को व्यक्तिगत निमंत्रण देंगे आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत। बीसीसीआई की एजीएम में शामिल होने कल कोलकाता जाएंगे वैभव, और उसी दौरान जाहिर है ये निमंत्रण भी दिया जाएगा। कोलकाता में ही गांगुली और जय शाह को औपचारिक निमंत्रण दिया जाएगा। इस बीच आरसीए ने शिलान्यास को यादगार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के सभी जिलों से पदाधिकारी और खिलाड़ी बुलाए जाएंगे। राजस्थान के रणजी कप्तानों का सम्मान भी इस मौके पर हो सकता है। अगले 2 साल में बनकर तैयार होगा देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, और ये जयपुर के अंदर होगा, ये राजस्थान के अंदर होगा। आने वाले वक्त में कहा जा सकता है कि खेल की दुनिया का बादशाह बनने की तैयारी में राजस्थान कर रहा है, क्योंकि न सिर्फ जयपुर के अंदर स्टेडियम तैयार किया जा रहा है, बल्कि बरकतुल्ला खान स्टेडियम को भी नए सिरे से डेवलप किया जा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैच में जयपुर का कोटा बढ़ेगा, राजस्थान का कोटा बढ़ेगा, और जिस तरीके से क्रिकेट का वैभव वापस लौटा है, वो वैभव गहलोत के नेतृत्व में जिस तरीके से आरसी आगे बढ़ी है, यकीनन पूरा क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैच कराने में एक बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की। कोरोना के बाद पूरी कैपेसिटी के साथ जो मैच हुआ उसका गवाह जयपुर बना, और उसका नेतृत्व सफल आयोजन वैभव गहलोत ने किया। जयपुर एयरपोर्ट पर हुआ एयर ट्रैफिक कंजेक्शन, 1 साथ 4 फ्लाइट्स के आगमन के चलते कंजेक्शन हुआ। दरअसल शाम 4:30 बजे से फ्लाइट्स के लिए खुलता है एयरपोर्ट का रनवे। उससे पहले 2 घंटे का नोटवे चल रहा होता है, जिसमें सारी फैसिलिटीज को चेक किया जाता है। कोई फ्लाइट ना तो उड़ान भरती है ना लैंड करती है, लेकिन उससे पहले की कई फ्लाइट्स जयपुर के आसमान में घूम रही थी। स्पाइसजेट की जैसलमेर से जयपुर फ्लाइट, जिसका नंबर था SG3759, इंडिगो की अहमदाबाद से फ्लाइट थी जयपुर फ्लाइट 6E7274, इंडिगो की कोलकाता से जयपुर फ्लाइट 6E394, और एयर एशिया की पुणे से जयपुर फ्लाइट I5 1426 जयपुर के आसमान में पहुंची थी। रनवे नोटम के चलते फ्लाइट को कुछ देर होल्ड पर रखा गया था, यानी कि आसमान में ही वो मंडरा रही थी। वहीं बारिश के चलते एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी भी काफी कम थी, और इस वजह से भी उनको लैंड करने में दिक्कत आ रही थी। फिर 4 फ्लाइट अचानक से लैंड हुई, क्योंकि नोटम खत्म हुआ, विजिबिलिटी सही हुई, रनवे तैयार थे, फ्लाइट लैंड की। बुलेटिन में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हासिल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल यह है कि क्या इसी तरह नियमित चलेंगी फ्लाइट? आज जब दूसरे ही दिन रद्द हो गई कोलकाता की फ्लाइट, स्पाइसजेट एयरलाइन ने कल से शुरू की थी नई फ्लाइट। दावा था हर दिन यात्रियों को कोलकाता के लिए फ्लाइट मिलेगी, लेकिन संचालन कारण बताकर आज दूसरे ही दिन फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। उदयपुर से शाम 6:15 पर फ्लाइट जयपुर पहुंचती, जयपुर से शाम 6:45 पर फ्लाइट कोलकाता जाती। यात्रियों को एयरलाइन द्वारा किए जा रहे फ्लाइट रद्द के मैसेज, और उससे यकीनन यात्रियों को परेशानी हो रही है। लेकिन सवाल उस दावे को लेकर है जिसमें कहा गया था कि हर दिन फ्लाइट चलेगी, और दूसरे ही दिन स्थिति ऐसी बनी कि रद्द करनी पड़ गई।
और बात करते हैं जयपुर शहर में आबकारी नियमों की अवहेलना की। सबसे प्रमुख नियम की भी पालना नहीं हो पा रही। दुकान पर बड़े शब्दों में लिखा जा सकता केवल एक ही टाइटल, अंग्रेजी देशी शराब व बियर की कंपोजिट दुकान, ये लिखना जरूरी है। लेकिन इन दिनों शराब कारोबारियों में चल रहा नया फैशन, सबसे पहले परंपरा तोड़ी द लीकर मार्ट नाम के एक समूह ने। इस समूह की दुकानों पर आबकारी विभाग के कोई ना तो बोर्ड है ना रेट लिस्ट नजर आती है। शहर में कई और जगहों पर भी शराब दुकानों पर दिख रहे अलग अलग बोर्ड। चौक रोड पर कमल एंड कंपनी के पास एक ने लिख दिया ठिया। नेहरू पैलेस में एक शराब दुकान पर लिखा है द लीकर पॉइंट, लेकिन इन शराब दुकानों पर नहीं हो रही कोई कार्रवाई। सवाल यह है कि क्या आबकारी अधिकारियों के मिली भगत के चलते ये कार्रवाइयां नहीं हो पा रही। गृह मंत्री अमित शाह का 5 दिसंबर को जयपुर दौरा। आज जयपुर शहर में लगे अमित शाह के होर्डिंग्स, जयपुर एयरपोर्ट पर भी अलर्ट की गई सुरक्षा एजेंसियां। दौरे की तैयारियों को देखते हुए एयरपोर्ट पर रिहर्सल की जा रही है, यानी कि प्रैक्टिस की जा रही है। व्हीकल गेट से बाहर निकलेगा अमित शाह का काफिला। एयरपोर्ट से JECC सीतापुरा तक जगह जगह स्वागत किया जाएगा। इस दौरान व्यवसाय बनाए रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष बड़ी चुनौती रहने वाली है। आबकारी विभाग की बैठक में मंत्री परसादी लाल मीणा के सख्त निर्देश। कहा कि 1 जनवरी से शराब खरीदारों को हर उत्पाद का बिल दिया जाएगा। प्रदेश भर की शराब दुकानों पर पोस बिलिंग मशीन लगाई जाएगी। उपभोक्ता की शिकायत पर 7 दिन में करना होगा समाधान। शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। आबकारी निरीक्षक महीने में 7 से 8 दुकानों का औचक निरीक्षण करें। शाम 8 बजे के बाद शराब बिक्री को रोकने के लिए औचक निरीक्षण किया जाए। अवैध शराब बिक्री पर हर हाल में रोक लगाई जाए। दूसरे राज्यों से आने वाली शराब को रोका जाए। वहीं रिक्त 175 पदों पर फिलहाल होमगार्डों को लगाया जाए। होटल से 2 करोड़ के आभूषण चोरी का पर्दाफाश। क्लार्क्स आमिर होटल में 2 करोड़ के आभूषण की चोरी हुई थी। एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। DCP ईस्ट प्रहलाद कृष्णा की मेहनत रंग लाई है। जयपुर पुलिस ने सूरत में दबोचा अंतर्राज्यीय चोर को। दरअसल सूरत से जयपुर लेकर पहुंची जवार थाना पुलिस 10वीं कक्षा तक पढ़ा है आरोपी जयेश। आरोपी के खिलाफ कई राज्यों में 30 से ज्यादा मामले दर्ज है। बीते 20 सालों की बात की जाए तो आरोपी ऐसी ही वारदातों को अंजाम दे रहा है। क्लार्क्स आमेर से पहले आमेर इलाके की एक होटल में भी इसी तरीके की वारदात को ये आरोपी अंजाम दे चुका था। क्या धनवंतरी हॉस्पिटल का पंजीयन निरस्त होगा? कोरोना मरीजों से मनमानी वसूली के प्रकरण में बड़ी कार्रवाई। फर्स्ट इंडिया की स्टिंग ऑपरेशन पर चिकित्सा विभाग का बड़ा एक्शन। जांच कमेटी की रिपोर्ट में मनमानी वसूली की पुष्टि हो गई है। विभाग के उप शासन सचिव संजय कुमार ने कलेक्टर को पत्र लिखा है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीयन निरस्त करने का पत्र लिखा गया है। साथ ही पत्र में अस्पताल पर नियमानुसार जुर्माना लगाने का भी जिक्र किया गया। लेकिन सवाल वही, क्या पंजीयन निरस्त किया जाएगा? क्योंकि रिपोर्ट में यह तो तय हो गया कि मनमानी वसूली की गई। और जिसका डर था दरअसल वो होता हुआ नजर आए, क्योंकि देश में कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन के दस्तक देखी गई है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केस मिलने पर राजस्थान अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार की सूचना के बाद चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट। राज्य में बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक कोविड की दूसरी डोज नहीं लगवाई, उन सभी से अपील की जा रही है कि वो जल्द से जल्द कोरोना की दोनों डोज लगवा लें। राजधानी जयपुर में शुरू किया गया वैक्सीनेशन के लिए विशेष ड्राइव, यानी कि विशेष अभियान। इससे पहले एहतियात के तौर पर चिकित्सा विभाग अहम कदम उठा चुका है। हर पॉजिटिव मरीज की SMS में करवाई जा रही जीनोम सिक्वेंसिंग। दरअसल जीनोम सिक्वेंसिंग के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि कोरोना का
जो मरीज है उसमें कोरोना का कौन सा स्ट्रेन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए अगर ये पता चल जाए कि किसी मरीज के अंदर ओमिक्रॉन वायरस है तो फिर उसको डिटेक्ट करना, पूरी चेन को डिकोड करना आसान होगा और वो कितनी तेजी से स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, ये जानकारी भी लग पाएगी, क्योंकि देश के अंदर बहुत ज्यादा केस नहीं आए। इसलिए भारत में ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्या इसके अंदर म्यूटेशन होगी, इसका स्प्रेड किस तरीके से होगा, ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब अब धीरे धीरे मिलने शुरू होंगे। वहीं कोरोना की जद में मासूम, राजधानी में लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे स्कूली बच्चे, बीते 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में जयपुर में 8 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें एमपीएस और एसएमएस स्कूल का बताया जा रहा एक एक स्टूडेंट, हालांकि दोनों ही स्टूडेंट में कोविड की फैमिली हिस्ट्री मिली है, यानी परिवार के अंदर कोई कोविड पॉजिटिव है और उसकी वजह से बच्चे तक कोरोना पहुंचा है। 15 दिन से स्कूल एमपीएस का पॉजिटिव स्टूडेंट नहीं जा रहा था, ऐसे में ये तो नहीं कहा जा सकता कि स्कूल से पॉजिटिव हुआ, क्योंकि पेरेंट्स से हिस्ट्री मिली है और इस वजह से घर से ही कोरोना हुआ है। लेकिन राहत की बात यह है कि बच्चा 15 दिन से स्कूल नहीं आ रहा, क्योंकि यहां अगर अभिभावक थोड़ी भी लापरवाही कर देते तो बाकी बच्चों के लिए भी खतरा साबित हो सकता। जयपुर में बरस रही मावट की बूंदी, मौसम खुशनुमा हुआ है, पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ गई है, अल सुबह से ही प्रदेश सहित राजधानी में ठंडक घुल गई है। हालांकि सर्दी बढ़ने से लोगों की दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव जरूर आया, पहनावे में भी बदलाव आया, लोग गर्म व्यंजन और पेय पदार्थों का लुत्फ उठा रहे हैं। कई जगह मावट बरसने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई और अक्सर ये कहा जाता है कि मावट की बरसात के बाद मौसम में तेजी से बदलाव आता है और कहा जा सकता है कि कम से कम 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट आएगी, और इसलिए अपना ख्याल रखिएगा, लापरवाही आपको बीमार कर सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।